मेरे बच्चों, अब अकाउंट्स की जो क्लास है ना, मैं आपको डिबेंचर के इशू के बारे में बताऊंगा कि डिबेंचर जो होता है ना, वो कैसे इशू करते हैं, उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू की एंट्री कैसे कैसे होती है, ये हम पढ़ रहे थे। टॉपिक इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, पेज नंबर B94 पे दी हुई है, आरत गुप्ता में। उसके जरा केसेस समझना ध्यान से, ठीक है? तो अकाउंट की क्लास में एक बार देखना, जरा सारे बच्चे इसको वीडियो को देखना। देखो, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि आपने ना, पहला केस है 120 डिवेंचर इशू करने हैं, कितने 128% डिवेंचर इशू करने हैं, इशू कर रहे हो, तो क्या एंट्री होगी इसकी? और 1000 रुपए का एक है, डिस्काउंट कितना है? 5% डिस्काउंट है, तो रीपेबल एट पार है, रीपेबल एट पार, ठीक है, रीपेबल एट पार। तो बस में थी 128% डिबेंचर है, इशू करें हम 1000 का एक है, 5% डिस्काउंट पे एंट्री है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बैंक में पैसे आ जाते हैं, जब हम डिबेंचर भेजते हैं कोई कंपनी, तो लोग शेयर डिबेंचर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं तो बैंक में पैसा और आता है। तो पहली एंट्री देखो, 120 डिवेंचर इशू करने हैं और एक डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं कितने का? 950 रुपये का। क्यों 950 का? क्यों? क्योंकि 5% डिस्काउंट पे भेज रहे हैं, तो 1000 रुपये का 5% कितना हो गया? 50। तो 50 रुपये कम करके हमने कितने पैसे आ गए हमारे पास? ये आ जाएंगे हमारे पास 1,14,000 रुपये। और इसको लिखेंगे टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया इतना, ठीक है? तो 1,14,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं डिस्काउंट पर, हमने डिवेंचर ले लिया। पहली एंट्री जब उसी होती है, उसको लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशू कर दिए हैं एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट पे हमने इशू किए हैं, तो बैंक में पैसा आ गया, एप्लीकेशन मनी आ गई हमारे पास। अब एप्लीकेशन मनी को कैंसिल करके ना, तो एप्लीकेशन मनी को कैंसिल करो, डिवेंचर एप्लीकेशन कैंसिल करो, कितने की डिवेंचर एप्लीकेशन है? 1,14,000 रुपये की है। टू कौन से डिवेंचर है? 8% डिवेंचर्स में जाएंगे। अब डिवेंचर्स में जो वैल्यू दिखानी है वो पूरी दिखानी है, 120 डिवेंचर है, 1000 रुपये का एक है, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 होगी, और 6000 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू। तो ये रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन का पैसा हमने डिवेंचर में ट्रांसफर करते हैं। तो पहला केस तो ये था। अब देखो बी केस में क्या दिया हुआ है, बी केस में 150 डिवेंचर भेज रहे हैं हम, 7% डिवेंचर भेज रहे हैं, 1000 का एक है और 5% डिस्काउंट भी भेज रहे हैं, डिस्काउंट और रीपेबल एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे हम रीपे कर रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो ये वाला केस कि 150 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 7% डिवेंचर है, 1000 का एक है, 5% डिस्काउंट भी भेज रहे हैं। तो पहली एंट्री तो हमारी यही होनी है सेम। देखो अब यहां पर मैं कर रहा हूं इसकी एंट्री, देखते रहना ध्यान से क्या एंट्री हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन में 150 डिवेंचर हम भेज रहे हैं, एक डिवेंचर वही 950 का भेज रहे हैं हम, 5% डिस्काउंट भेज रहे हैं ना, तो कितने की एंट्री होगी? 1,42,500 रुपये। तो ये डिवेंचर एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है? उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन कैंसिल करो, और डिवेंचर एप्लीकेशन कैंसिल करके क्या करना है, इसको डिवेंचर में डालना है। डिवेंचर कौन से हैं? 7% डिवेंचर्स। अब सुनना, ये पॉइंट सुनना जरा, अब डिवेंचर एप्लीकेशन कैंसिल करो 1,42,500 से। अब डिवेंचर्स में पूरे पैसे जाने हैं, वो 150 डिवेंचर है, नॉमिनल वैल्यू 1000 रुपये है,
तो 1.5 लाख रुपए जाएंगे और हमें अब प्रीमियम भी देना है। क्वेश्चन देखो, रीपेबल एट 10% प्रीमियम है, रीपेबल एट 10% दे दो। इसमें एक है 150 डिबेंचर, 100 डिबेंचर है, 1000 रुपए का एक था, 5 मिनट डिस्काउंट पे बेचा मैंने हमने, उसके बाद हमने उसको प्रीमियम पे देना है पैसा वापस। तो प्रीमियम पे देना है तो कैसे करेंगे? तो प्रीमियम पे देने के लिए जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, वो हमारी लायबिलिटी होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कि हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे 10%। तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000। इसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें 15,000। तो हमें डबल नुकसान हुआ, बेचते वक्त हुआ और फिर वापस जब देंगे 15,000 का तब होगा। इसको टोटल को बोलते हैं लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू कितना हो जाएगा बताओ? 1,65,000 में से 1,82,500 जाएगा, तो टोटल आपको नुकसान हो जाएगा 22,500 रुपये। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो ये रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा केस था। दूसरा केस था सी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है कि हमने 80 डिबेंचर बेचने हैं, 5% प्रीमियम पे बेचने हैं। तो कितने देखो, 80 डिबेंचर्स इशू करो एट 5% प्रीमियम, और कितने का एक है 1000 रुपये वाला डिबेंचर है। अब जितने का डिबेंचर बेचते हैं ना, उसकी एंट्री होती है पहले ही। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने हो गए बताओ? हम 80 डिबेंचर बेच रहे हैं और कितने का एक है 1000 रुपये का, तो हमने कितने में बेचा? 5% प्रीमियम, इसका मतलब 1050 का बेचेंगे, 50 रुपीज का प्रीमियम ऐड कर देंगे ना। 80 डिबेंचर बेच रहे हैं, 1000 रुपये का एक है और 5% प्रीमियम, तो जितने का डिबेंचर बिकता है पहली एंट्री उतने की होनी है। तो 84,000 का डिबेंचर बिक रहा है हमारा, तो इसमें देखो प्रीमियम नहीं देना है रिडम्पशन पर, हमें प्रीमियम मिला है। तो क्या करेंगे? डिवेंचर अधिगेन कैंसिल करो, और डिवेंचर अधिगेन कैंसिल करके कौन से डिवेंचर है 9% डिवेंचर में ट्रांसफर करो। अब देखो डिवेंचर 84,000 है और 9% डिवेंचर में कितने चले जाएंगे? 80 डिवेंचर हैं, कितने जाएंगे बताओ? डिवेंचर अभी 84,000 टू 9% डिवेंचर है, 80 डिवेंचर है और कितने का एक है 1000 रुपये का एक है। नॉमिनल वैल्यू जाते हैं 80,000 के डिवेंचर दे जाएंगे डिवेंचर अकाउंट में और बाकी चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000 रुपये, ये बात समझ आती है? तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000 रुपये, ये पता पड़ता है? तो ये देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जबकि यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन है कि हमने एक्स्ट्रा पैसा देना है, वो लॉस में इंक्लूड हो जाएगा हमारा। तो ये तीन केस है। एक लास्ट केस है कि हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर बेचा है डिवेंचर्स, तो इसकी एंट्री मैंने बताई थी, सिंगल एंट्री होती है रिकॉर्ड की। इसका डी पार्ट है देखो, तो डी पार्ट देखो इसका क्या है, डी पार्ट है इसका कि सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं है। इसमें कह रहा है कि 400 डिवेंचर हम कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर रहे हैं अगेंस्ट लोन। तो मैंने बताया था क्या होता है, बैंक में पैसे तो आएंगे नहीं क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी पे बेच रहे हैं हम डिवेंचर इशूड, और डिवेंचर सस्पेंस कौन डेबिट हो जाता है इसके अंदर, कोई पैसे नहीं आने और बस कौन से डिवेंचर है 8% डिवेंचर है वो डाल देंगे। कितने डिवेंचर बेचे हमने 400 और एक कितने का 100 रुपये, तो कितने हो गए सर 40,000 रुपये के डिवेंचर हमने लोन के अगेंस्ट क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं। तो इसको कहते हैं डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, एंड इज बीइंग डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे हमने डिवेंचर इशू कर दिए हैं, उसमें बैंक में पैसा आता नहीं है कि हमने बैंक से लोन लिया था
और उस लोन को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे हमने डिबेंचर इशू करे, तो उसको कहते हैं डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स इज पेस ऑन डेबिट टू 8% डिबेंचर, तो ये ट्रेड लिखी देखो, बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये बस मैं इतनी सारे बच्चों को देखो, ये क्वेश्चन करना मैंने समझा दिया है, इसी क्वेश्चन को आप द्वारा अपनी कॉपी में करके देखना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, आप करके देखना इसको, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।